मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100 डायल वाहन सुविधा इसलिए चलाई थी कि परेशानी में मध्य प्रदेश का आम नागरिक फोन लगाकर 100 डायल को बुला सके और इसकी मदद ली जा सके। इस वाहन के जरिए और इस 100 डायल वाहन की कीमत करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा की है और यह कीमती वाहन 100 डायल कर्मचारी और पुलिस कर्मियों के पास मौजूद रहे। सर्व सुविधा युक्त पर उज्जैन पुलिस की लापरवाही और 100 डायल कर्मचारी ड्राइवर की लापरवाही देख रेख और रखरखाव सही तरीके से नहीं किया और कीमती वाहन 100 डायल समय से पहले खराब हो गई और अपनी लापरवाही गलती को छुपाने के लिए 100 डायल के कर्मचारी और पुलिस कर्मियों ने युक्त वाहन को शहर से बाहर सुनसान जगह मुख्य रोड पर एक पेट्रोल पंप पर खड़ा कर दिया, जबकि उक्त 100 डायल वाहन को पुलिस कर्मी और वाहन चालक को वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवा कर रिपेयर के लिए भेजना था, पर ऐसा नहीं किया और शहर से बाहर पटक दिया कीमती वाहन को खराब होने के लिए। भारतीय न्यूज के लिए उज्जैन से वैशाली सोनी की रिपोर्ट। Subscribe now to most exciting channel ever.